लग चुकी है मेरे पीछे, देख सकते हैं कितने लाइन है क्यू में है। तो आज है 10 मई और आपका केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुका है सभी के लिए। ये टूट जाए, ये रास्ता ज़्यादा दिन और बचेगी नहीं। ये हालत देखो, बहुत ही ख़तरनाक रोड है ये। ये है कुंड, यहाँ देखते हैं वीआईपी लोगों के लिए भगवान भी डर के मारे बैठे हुए हैं जो कहीं पकड़ न ले आकर के वीआईपी वाले। हर हर महादेव, दिस इज बाशु, और फिर स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग पर। गाइस, आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, जो बहुत दिनों का मेरा मनोकामना था आज पूरी होने वाली है। आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ धाम। मैं फिलहाल मोहाली में हूँ, यहाँ से 520 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम पहला स्टॉपेज हमारा ऋषिकेश होगा। यहाँ से ऋषिकेश भी काफ़ी दूर है, करीबन हाँ मुझे लग जाएंगे 5-5.5 घंटे ऋषिकेश पहुँचने में। और फिर वहाँ से कल फिर हम पहुँचेंगे गौरीकुंड। फिर वहाँ से हमारा 16 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा जो हम 8 घंटे में कवर करेंगे। और मेरा जो बैकपैक तैयार है, मेरे जो सैडल बैग्स है, ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर ट्रैक करना है। ट्रैकिंग के दौरान आप हल्का सामान लेके जाइए, ठंड का जो कपड़ा है वो लेके जाइए, अपना अच्छा शू जो है वो लेके जाइएगा। तो जल्दी से चलते हैं, अपना सैडल बैग को लगाते हैं अपने एक्सपल्स में। अब सैडल बैग लग चुकी है और बस चलते हैं गाइस केदारनाथ धाम। हर हर महादेव, बनेगा मेरे साथ। दोस्तों, 4 घंटे की राइड, ऊपर से गर्मी, उफ, गन्ने का जूस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। तो अभी आप लोग देख रहे हो बाशु भाई जो है या मेरे लगेज को सेट कर रहे हैं अभी हम अपनी बाइक पे, और ISPTV के बोल सकते हैं ऋषिकेश के हम अंतर्राज्य बस अड्डे पे खड़े हुए हैं उत्तराखंड में, और हमारी इम्पल्स तैयार है, हमारा लगेज ये अब यहाँ पे, इसको एक हम अच्छी रोबस्ट तरीके से इसको बांध देंगे जिससे ये हमारा कुछ ख़राब ना हो। सो दोस्तों, आप हमें ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं अराउंड द इंडिया, और हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आप किस किस स्टेट से ट्रैवल कर रहे हो और अभी आप कहाँ पर हो, तो ऐसे ही हम कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, और जो हमारी केदारनाथ की यात्रा रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल, दिस इज़ ट्रैवल विद बाशु। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये भाई लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, एक भाई हरियाणा से है, दूसरे भाई कहाँ से भाई? उड़ीसा से। वृंदावन से। अरे राधे राधे भाई, राधे राधे। एक भाई तो वृंदावन से आ रहे हैं, एक आपके एक महाराष्ट्र से है, आपका से महाराष्ट्र। तो ये सब अपने मोटिवेशन कैसे मिलता है, टारगेट है सबका, जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत में वो कंप्लीट कर रहे हैं, कोई 4 धाम कर रहा है, और बहुत ही टफ होता है ये साइकिलिंग करना रेली। जल्दी से पराठा खाते हैं, अभी हम हैं दीनधारा में और थोड़ा एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर अपना फोकस करा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नियरेस्ट टू अपनी डेस्टिनेशन हो जाएं, क्योंकि अब हम दीनधारा में हैं तो हम यदि हम चाहें तो हम 8:30 बजे तक श्रीनगर कवर कर सकते हैं, श्रीनगर तक पहुँचेंगे, ऐसा प्लान था रुद्रप्रयाग तक, बट रुद्रप्रयाग दूर हो जाएगा और रिस्क ले नहीं ले चाहिए। तो गाइस, फाइनली हम देवप्रयाग हो चुके हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बहुत ही भव्य, और ठीक इसके नीचे आप देख रहे हैं जहाँ माँ गंगा जी का उद्गम यहाँ से होता है। टेक्निकली ये है ओरिजिन पॉइंट जहाँ से माँ गंगा स्टार्ट होती है और यहाँ से बह के जाती है। एक तरफ आप देखेंगे भागीरथी नदी और एक तरफ आपका अलकनंदा नदी, ब्यूटीफुल आपका देवप्रयाग टाउन। तो गाइस, वी आर इन श्रीनगर, उत्तराखंड में जो श्रीनगर है वहाँ आज हमने होल्ड लिया है, और कल हम रवाना होंगे केदारनाथ के लिए, गौरीकुंड। और
एक बजट फ्रेंडली आपका ये एक पास में एक होटल है, और होटल का नाम होटल मेन का तो हमें अच्छा खासा रूम मिल गया। हमें तो उतना लग्जरी वाली चाहिए नहीं, जो एमिनिटीज़ है ठीक है, डबल बेड रूम है और बाथरूम साफ़ सुथरा है। हेलो दोस्तों, कुछ अपडेट देना था। वैसे तो हमें पहुंचना था गौरीकुंड जल्दी से जल्दी और ट्रैकिंग शुरू करनी थी, बट एनीवे कल हम सोच रहे थे होल्ड करेंगे रुद्रप्रयाग में, बट श्रीनगर तक ही हो पाया। हम यहाँ वेट किए, रात को स्टे किए, यहाँ बारिश होगी, सुबह उठ नहीं पाए और हमें जल्दी पहुंचना है गौरीकुंड जहाँ से ट्रैक शुरू होगी। और डोली निकल चुकी है केदार धाम की तरफ, बढ़ चुकी है सुबह सुबह, जो बाबा केदार के जो कपाट है, कल 10 तारीख है, कल खुलेगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आज पहुंच जाएं, जिससे क्या होगा कि कल सुबह का जो कार्यक्रम होगा बहुत भव्य होगा, वो देख पाए, उसी के लिए हम आए इतने जल्दी। ये देखिए हमारा चाय तैयार है, और ये इसे क्या कहते हैं भाई जी, सिंगोरी। तो ये सिंगोरी यहाँ की ना, श्रीनगर की स्पेशल है, तो ये श्रीनगर की स्पेशल स्वीट। तो बाइक रेडी हो चुकी है, अब निकलते हैं श्रीनगर से, और अगर इस साइड से जाएंगे तो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए और चोपता के लिए, ये वाली है चोपता के लिए, और यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हम निकलेंगे। तो ये आपका कुंड, ये डाइवर्जन जहाँ होता है, यहाँ होता है डाइवर्जन, लेफ्ट की तरफ मुड़े तो केदारनाथ के लिए, और वो वाली जो रूट है वो जाती है आपकी, जो आप तुंगनाथ जाते हैं, फिर यहाँ से आपके बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। पहुँच चुके हैं हम गुप्त काशी। हाँ, तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुप्त काशी, और यहाँ से और कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे फाटा के बाद फिर सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं सोनप्रयाग में हूँ, और हमें यहाँ आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें एरिया नहीं मिला था बाइक रखने के लिए, बट अभी मिल चुका है। और ये आपका जो पार्किंग एरिया है आपका सोनप्रयाग में, बड़ा है काफ़ी, बट अभी फ़िलहाल पूरा फुल है, तो हमने इधर लगाया अपना पार्किंग। यहाँ जगह ही नहीं है सोनप्रयाग में, आपका जो पार्किंग एरिया है ना, ये दो देख रहे हैं, ये पूरा आपका पार्किंग एरिया है और अभी पूरा फुल है, लगाने का जगह नहीं था, तो हमने इधर पिलर के पास लगाए, ये यहाँ पर टावर है उसके पास हमने लगाए। तो ये पर्ची कट चुकी है यहाँ सोनप्रयाग की, सोनप्रयाग पार्किंग। सोनप्रयाग में आपको इस तरह के रूम दिखेंगे, क्लोक रूम, आगे भी है, इस साइड भी है क्लोक रूम, तो यहाँ अपना सामान रख सकते हैं, अगर ज़्यादा भारी हो जाता है तो यहाँ रख दें, बहुत ही मिनिमल पैसे देके आप रख सकते हैं यहाँ। जाम देखो कितना लग रखा है, बहुत मुश्किल है यहाँ से गाड़ी लेकर गौरीकुंड पहुँचना, तो पैदल ही चले अब, कोई रास्ता नहीं। और तो फाइनली गाइस हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, दिस इज़ योर गौरीकुंड, और बस यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना ट्रैक 16 किलोमीटर की, जो लगेंगे हमें 7 से 8 घंटे, तो करीबन रात के 10-11 बज जाएंगे, बट हम शुरू करेंगे, रुकेंगे नहीं, हर हर महादेव। ये है वो कुंड गौरीकुंड, जिसे पार्वती कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती यहाँ स्नान करके शिव जी को पाने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी, तब की थी, इसलिए इस जगह का नाम गौरीकुंड पड़ गया, या पार्वती कुंड भी बोल सकते हैं। जो भी श्रद्धालु यात्रा के लिए आते हैं पहले यहाँ स्नान करते हैं, तब जाके वो यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से। अभी हम हैं गौरीकुंड में, और ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ट्रैकिंग 16 किलोमीटर का केदारनाथ तक का,
लग जाते हैं हमको 7 से 8 घंटे। बहुत ही आसान ट्रैक है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ भी एक आपका मेडिकल रिलीफ पोस्ट है, और तो हम अभी पहुँचे हैं जंगल चट्टी। ये आपका करीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है आपके गौरीकुंड से। नेक्स्ट होगा आपका भीम बली, उसके बाद रामबाड़ा, लिंचोली, फिर केदारनाथ बेस कैंप, उसके बाद जाकर केदारनाथ टेंपल। तो यहाँ बन रही है पराठे, हम पैक करवा रहे हैं पराठे गर्मा गर्म, और आगे जाके खाएंगे। और यात्रा के दौरान ओबियसली आपको खाना है, नहीं तो आप थक जाएंगे, एनर्जी लॉस करेंगे और फिर तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आप मेक श्योर कुछ खाएं कहीं मिले। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, और ये आपका साथ बह रही है मंदाकिनी नदी। ये देखिए आपकी मंदाकिनी नदी है। शाम के 7 बज चुके हैं और करीबन 7 किलोमीटर करीबन 7 किलोमीटर और चलना है हमें। पूरा अंधेरा हो चुका है और बस हम पहुंचने वाले हैं, और लग जाएंगे दो घंटे लग जाएंगे, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बस ये है कि आपके तो ट्रेल्स में आपके लाइट लगे हुए हैं, के स्ट्रीट लाइट है लगे हुए हैं, तो दिक्कत नहीं है। और हर जगह आपको खाने वाने का सामान मिल जाएगा, ओबियसली रेट बहुत ज़्यादा है, बट नो प्रॉब्लम। ये देखो, वाह, ये पूरा ग्लेशियर है नीचे। ये हमारा ट्रैक अंधेरा हो रखा है। तो फाइनली गाइस बहुत ही रिगरस ये था आपका ट्रैकिंग, और मैं इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये। यहाँ तक पहुँच गए हम, केदारनाथ बेस कैंप तक पहुँच चुके हैं, और पहुँचते 1:30 मतलब रात के मिडनाइट आपका 1:30 बज चुका है, और हमें एक ये टेंट मिला है जहाँ स्लीपिंग बैग्स दिए गए हमें, और बस तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और हम सोनप्रयाग से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमें ट्रैकर नहीं मिल रही थी, मिली थी थोड़ी दूर 100 मीटर जाके, फिर जाम लग गई थी, तो हमें वहाँ से ट्रैक करना पड़ा। ट्रैक करके फिर हम वॉक करके हम आए गौरीकुंड, फिर टाइम हो गए थे 4, फिर वहाँ से हम चले, चलते 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 एक ऐसा टाइम आया कि डिफ़िकल्ट लेवल पे पहुँच गया था। और हमने काफ़ी लोगों को देखा कि बहुत एजेड थे, वो भी पैदल यात्रा करते हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि भाव होता है कि आप शिव जी के द्वार आ रहे हैं। और कल कपाट खुलेगी, तो बहुत एक्साइटमेंट भी है कल। तो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, मिलते हैं कल मंदिर में। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ बाशु, और सुबह के अभी बजे हैं 6, और कल रात को हम यहीं ठहरे थे इसी टेंट में, इमरजेंसी थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी 7 बजे आपकी जो केदारनाथ की जो मंदिर है उसकी कपाट खुलेगी, हम अभी जल्दी से फ्रेश होते हैं और जाते हैं। और पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ रहेंगे, पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज करा जाएगा। तो हम कल रहे थे तो 600 रुपया पर पर्सन था, कम भी मिल जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है तो आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेंगे और आपको लेना ही पड़ेगा। बट मेरे पीछे आप ये व्यू देखिए, ऊपर स्नो क्लेड आपके माउंटेन रेंज अभी भी है, दिख रहे बहुत प्यारा, धूप आ गई।
अभी यहाँ ठंड काफ़ी है, तो अगर आप आएँ तो ठंड के कपड़े साथ लेके ज़रूर आएंगे। या ब्रो, गुड मॉर्निंग, कैसा हैं आप? आज कपाट खुल रहे ना? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत बड़े लग रहा है मालिक। कहाँ से आ रहे हैं? देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून। यस सर। इधर से? हाँ सर। आप यहाँ क्या कुछ, आपका कुछ सर्विस है? ये साथ के लड़कों का टेंट है सर। अच्छा, तो इनको कॉल कर दिया था, रात यही नाइट स्टे करिए। जनता बीच में वो जनता बीच में वो हलचल नहीं देखी, साथ देखो दरअसल लेके, या तो जनता थक जाती है, रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आपने 22 किलोमीटर लिख रखा है तो ये नहीं कि आपने वहाँ 40 किलोमीटर बंदूक पैदल चलवा दिया है। अब बाबा के दर्शन करें। बिल्कुल, आज से आपका केदारनाथ धाम स्टार्ट, अब जो यात्रा है वो आज से शुरू हो जाएगी 10 मई से। और भाई जी का अपना टेंट है यहाँ इस साइड। टाइम कॉल करो, नंबर हम शेयर कर देंगे साहब। नंबर बता दो आप। 8077674883। बिल्कुल, तो आप कभी भी आते हैं, आपकी कोई बुकिंग नहीं है कोई भी होटल या कुछ भी, तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। हर हर महादेव, आपके श्री केदारनाथ मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ से हम अब गाइस, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपका हेलीपैड है जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करती है और यहाँ यात्री उतरते हैं। ठीक है, आपके मंदिर के पास है, करीबन 500 मीटर के डिस्टेंस में आपका ये हेलीपैड है। और तो गाइस, आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाना पड़ेगा, वो क्यूआर कोड लेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको ये टोकन मिलेगा दर्शन के लिए। तो अभी हम जाते हैं अंदर और जाके दर्शन करते हैं। तड़प रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिसकी पास वीआईपी दर्शन है उसको साइड के। यात्रा कहाँ कब से शुरू किए, कल कितने बजे से गोरीकुंड से? रात में हम 5 बजे उतरे हैं जी, 5 बजे से शुरू किए हैं वहाँ से। तो कितने घंटे में पहुँचे यहाँ? 6:30 बजे सुबह में आए। अच्छा, 6:30 बजे सुबह में आए। बहुत बढ़िया। एक ही प्यार है बाबा से, लेकिन बाबा अब नहीं मिलेंगे, रुला दिए बाबा। वीआईपी लोगों के चुंगल से मैं फंस गए बाबा। बाबा भी फंस गए ना, भगवान भी फंस गए, पैसे पैसे वालों के सामने वो भी डर गए। अच्छा, तो ये आपका कपाट खुल चुका है और यहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है इधर, और भीड़ काफी है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस पार्ट में बस इतना ही, बाकी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, वो अगले पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। यात्रा के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।